हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कस्टर्ड डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कस्टर्ड डिज़र्ट बनाने के लिए ये आधा किलो दूध मैंने लिया है और इसे गर्म करने के लिए मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। जब तक हमारा दूध गर्म होता है, यहाँ मैंने केसर इलायची फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है और एक कप दूध मैंने अलग से ले लिया है। अब 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर हम एक कप दूध में मिला लेंगे और इसका लम्स फ्री बैटर हम बना के पहले तैयार कर सकते हैं। आप किसी भी फ्लेवर से कस्टर्ड बना सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो फ्लेवर उसी से आप बना लें। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और दूध भी हमारा गर्म हो गया है। हमें दूध में उबाल नहीं लगाना है, सिर्फ जब हल्का गर्म हो जाए उसी समय हम इसमें कस्टर्ड वाला दूध मिक्स कर लेंगे और अब इसे लगातार चलाते हुए हम कस्टर्ड को पका लेते हैं। 5 से 7 मिनट में ही हमारा कस्टर्ड बनके तैयार हो जाएगा। जैसे जैसे इसे पकाएंगे ये थिक हो जाना शुरू हो जाता है। अब देखिए ये थिक होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ 1 कप चीनी मैंने ली है, वो इसमें डाल देंगे। चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। चीनी भी अच्छे से हमारे कस्टर्ड के अंदर मिक्स हो गई है। ये हमारा कस्टर्ड बनके तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा थिक हमें नहीं करना है, गैस को बंद कर दिया है और इसे हल्का ठंडा हम अब कर लेते हैं। अब अपना डिज़र्ट बना के तैयार करते हैं। यहाँ मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, काजू बादाम और पिस्ते को भी मैंने मिक्सी में दरदरा ग्राइंड करके ले लिया है। अब एक रस का पैकेट मैंने यहाँ लिया है, आप किसी भी कंपनी का रस ले सकते हैं। और अब एक ऐसे ट्रे या बाउल आप ले सकते हैं, बस थोड़ा उसमें हमें इसमें 2 से 3 लेयर लगानी है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप बर्तन लें। रस की एक लेयर हम इसमें अच्छे से पहले सेट कर देते हैं। आप इस डिज़र्ट को ब्रेड के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन ब्रेड से अगर आप बना रहे हैं तो ब्रेड को पहले हमें डीप फ्राई कर लेना है, क्रंची हमें उसको कर लेना है, उसके बाद ही ये डिज़र्ट बना के आप ब्रेड से तैयार करें। नहीं तो आप जैसे मैं तैयार कर रही हूँ रस से, डायरेक्ट रस से भी इसे बना सकते हैं। अब अच्छे से मैंने एक लेयर नीचे सेट कर दिया है। जो बीच में ये खाली जगह रह गई थी, यहाँ मैंने रस को तोड़ के लगा दिया है। अब हम इसमें जो हमने कस्टर्ड बना के रखा है वो कस्टर्ड हम इसमें डाल देंगे। कस्टर्ड अगर आपका ठंडा हो गया है तो आप इसे एक बार दोबारा गैस पे रख के गर्म कर लें, क्योंकि गर्म कस्टर्ड ही हमें डिज़र्ट के लिए यूज़ करना है। अगर हमारा कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा तो जो ब्रेड है वो अच्छे से इसे सोख नहीं पाएंगे। अब जो डेसिकेटेड कोकोनट है वो हम डालेंगे, एक लेयर जैसे इस पर लगा देंगे, और साथ ही जो काजू बादाम और पिस्ता मैंने ग्राइंड करके लिया है उसकी भी एक हल्की लेयर हम लगा देंगे। अब इसमें हम सेकंड लेयर बना के तैयार करेंगे। इसे भी एक सेकंड लेयर के लिए भी पहले रस मैंने नीचे बिछा दिया है, उसके बाद कस्टर्ड डाल दिया है, और सेम इसी तरीके से हम तीसरी लेयर भी बना के तैयार करेंगे। आप इसे 2 लेयर में बना सकते हैं या 3 लेयर में बना सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप बना सकते हैं। सारा कस्टर्ड इसमें मैं डाल देती हूँ और अब इसमें जो नारियल का चूरा है वो हम डालेंगे और जो काजू बादाम और पिस्ता मैंने ग्राइंड करके रखा है वो हम इसमें डाल देंगे। आप अगर एक बार ये डिज़र्ट की रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप केक और रसमलाई वाला टेस्ट भी भूल जाएंगे, ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अब इसे हाथ से हल्का ऐसे प्रेस हम कर देंगे और इसका ढक्कन लगा के हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। अब इसे 6 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में छोड़ दिया था। अब हम इसे कट करके निकाल लेते हैं। अच्छे से ये हमारा कस्टर्ड डिज़र्ट सेट हो गया है। देखिए कितना अच्छा सेट हुआ है और कितने इजीली ये निकल के आ गया है।
और देखने में आप देख ही रहे हैं ऐसे पेस्टी जैसा ये लग रहा है, और खाने में भी उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी है। मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ, देखिए कितना बढ़िया ही लग रहा है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।